हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं पहले आप बताएं, कैसी हैं आप? मुंह पे क्रीम तो हमने एक साइड पे लगाई, अभी तक वो तो तारी कोई नहीं। एक्सरसाइज का बना क्या दिया आज आपने? वैसे ये कौन से स्टाइल की पोनिया शोनिया होंगी, ये सारा बदल ही दिया आपने पकड़, इसको ये क्या कर दिया? कंकू बनी हुई है। किधर पोनी? अच्छा अभी का सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं। हाँ आपने सलाम नहीं किया। आप ही बताएं कि अब करने हम लोग आज क्या जा रहे हैं, पहले बताएं। हम स्पेशल जा रहे हैं ताकि ये हमारे घर में जो गंद बखेरती है ना आयशा, इसका हमको एक वो करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसके ना इसके लिए टॉयज बास्केट देखने जा रहे हैं। टॉयज की कुछ एक दो चीजें भी आने, तो मैंने कहा अली को वो भी ले आते हैं। अक्सा ने मुझे कहा कि एक तो इसकी जाके ना टॉयज बास्केट वगैरह ले आते हैं, हमने ज्यादा दूर नहीं जाना, करीब ही जाना, बैरिया टाउन हम लोग जाएंगे, मतलब कि हम असली वाले बैरिया टाउन जाएंगे। तो असली वाले बैरिया टाउन जाके हमने एक सर्फ भी लेके आना है, टॉयज बास्केट लेके आनी है, और एक एयर फ्रेशनर अक्सा मुझे कह रही थी। दो तीन चीजें जो लेके आनी है, क्योंकि इस मंथ हमने ग्रोसरी नहीं की, जो पिछले मंथ की थी वही हमारी इस मंथ नहीं। माशाल्लाह हमारी जो ग्रोसरी जो पिछले महीने हमने की थी ना, वही अभी चल रही है। हम एक बार ग्रोसरी करते हैं, हमारी दो महीने निकल जाती है। हाँ होता है, हम दो ही तो हैं, और हाँ, और बड़ा भी लाना पड़े तो हमें शुगर या पत्ती वगैरह लेके आनी पड़ती है, और या ऑयल लाना पड़ जाता है। बाकी छोटी मोटी चीजें हमारी चलती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब चले फिर, चलना है कि नहीं चलना? चलें फिर। कंफू बनी है, अभी जाना टाइस बास्केट, वहां जाके ढूंढते हैं कोई अच्छी सी। बस अभी निकलते साथ साथ आप लोगों को दिखाते जाते हैं। और हमारी क्या कहते हैं, कुछ लोग कमेंट कर कह रहे थे कि आप लोगों ने बेडशीटें दो ली हैं, कोई और भी बेडशीट्स ले लें। अभी नहीं लेंगे, लेकिन एक बात, हमारा सरफ खत्म हुआ, जाके लेके आते तो फिर हमारी बेडशीट भी वॉश होगी। अभी तक वॉश नहीं, हम बाहर जाते तो हम चीजें भूल जाते हैं, चीजें भूल जाते हैं। और बाहर जितना सरफ होता है ना, हमारा सारा लगता है कपड़ों के ऊपर, ठीक है? कपड़े हमारे घर में माशाल्लाह बहुत धुलते हैं, दो हैं हम। क्योंकि जब मोटे कपड़े होते हैं ना, फिर वो धोने ही पड़ते हैं। ये ना दो तीन दिन से मेरे पीछे लगी, कहती सरफ वगैरह लेके आना, ला दे। मैंने बेडशीट वगैरह वॉश करनी, मैंने चेंज करनी है, तो चले आप चलते हैं। आज तो ये सारी चीज इंशाल्लाह ले ही आनी है। लो जी, आज हमें जाते हुए ना साथ हम निकलने लगे थे, चूजा पकड़ लिया, उसको कह रही है सर्दी लग रही है। यार इसको नहीं सर्दी, आपने आयशा इतने टॉयज अंदर गाड़ी में इकट्ठे कर लिए ना, बालू से लेके कैटो से लेके छोटे छोटे बालू से लेके हमने हर चीज अंदर की पड़ी है। और जी जाने से पहले हमारा सामान हो ना, और बरन हमारे बच्चे की जो सी चीजें ना, वो सारी की सारी पूरी करने वाली होती हैं। ये पकड़े अक्सा, ये आप पकड़ेंगे, जरा मैं लॉक वगैरह करते ना फिर चलते हैं। और अभी एक और भी काम मैंने करना है, पानी की एक बोतल भर के गाड़ी में नीचे रखी है, वो भी ऊपर। नहीं ना, आते हुए नहीं, गाड़ी फिर पता है कुछ चलानी कितनी आराम से पड़ती है, जाम शाम के पानी वाली बोतल उल्टी सीधी ना हो जाए। नहीं आप लोग चले, मैं गाड़ी स्टार्ट करके आप लोगों को अंदर बैठाता हूँ, गाड़ी भी गर्म हो जाएगी, मैं पानी की बोतल ऊपर रख जाऊंगा, ठीक है? इस तरह करते हैं। चले आयशा फिर, और कुछ तो नहीं उठाना? और कुछ उठाना तो उठा लो अपना, है उठाना है कुछ? आप लोग जी बैठे गाड़ी में, मैं जाके चीजें रख के आता हूँ। आज एक से एक नया नेल कटर भी लेना है यार। वो जो नेल कटर आपने मुझे बताया ना पहले दिया है, उसके साथ नेल नहीं कट रहे, वो खराब हो गया हुआ है। नेल कटर नेल हार्ड है ना, तो नेल कटर बड़ा वाला लेके आना मेरा, उसके साथ नहीं काम चला। वो आयशा के उसके साथ कट जाते होंगे, मेरे नहीं कट रहे, ठीक है? मैं रख के आता हूँ, आप लोग गाड़ी का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, ठीक है? पीछे ना पानी वाली बोतल जो सी है ना, ये इधर पड़ी हुई है, तो मैंने कहा ये भी जाके जो है ना इसको ऊपर रखा था, क्योंकि जब गाड़ी चलाते हैं ना, जंप वगैरह लगे तो इसका उल्टे होने का खतरा होता है, तो फिर उल्टा जब हो जाए ना, तो फिर जो सी पानी है ना, ये यहाँ पे सारा स्विमिंग पूल बन जाएगा। चले फिर, चले वी। इसको पता है कि लास्ट टाइम पापा इधर आए थे, इन्होंने यहाँ से बी या एनजीओ लेके दिया था, अब इसको लग रहा है फिर पता नहीं वो लेके दे देना। अभी भी आपके लिए नहीं जा रहा हूँ, आपके लिए सरफ लेने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके कपड़े धुलने हैं घर में, हमारी बेडशीटें धुलती नहीं है, आपके कपड़े धुलते हैं। क्या लेना है आपने बताओ, आपने क्या लेना है पहले बताओ? बी आई एनजीओ नहीं हम लेने जा रहे हैं, हम बी आई एनजीओ के लिए बास्केट लेने जा रहे हैं। कहाँ जा रही है आयशा? आयशा कहाँ जा रही है, किधर जा रही है आयशा? बी आई एनजीओ लेने जा रही है, आयशा के लिए बास्केट लेनी है हमने यहाँ से। मामा तो आई नहीं, हम दोनों देखते हैं, ठीक है? ओके। यहाँ पे तो मुझे ऐसी बास्केट्स नजर आ रही हैं आयशा, यहाँ पे तो मुझे ऐसी बास्केट्स नजर आ रही हैं, वो वाली नहीं आ रही जो मामा ने कही है। मामा ने जो कही, एक ये ना ले ले, वैसी ले लेते अगर मामा को ठीक लगी तो। हाँ मामा, यहाँ पे ये बास्केट्स पड़ी हैं, दूसरी नहीं पड़ी हुई, वो कहने वो खत्म हुई हुई है, बार लिस्ट में से देखता हूँ अभी कोई। मैं अभी आया हूँ गाड़ी में, और वही बात हुई जो मुझे बास्केट ठीक लग रही थी, मैंने लाके इसको दिखाई है वीडियो, और ये कह रही है कि नहीं ये वो वाली नहीं है, ये टाइज वाली नहीं है, टाइज वाली दूसरी होती है, वो नेट में बनी हाँ। होती है या कपड़े की। अद्दी मेरी कंफ्यूजन तो इसमें रह जाती है कि अक्सा को पता नहीं पसंद आएगी ये वाली चीज या नहीं, ये वाली उसने मुझे कही थी कि नहीं कही थी। उधर देखे थे ना
हॉस्पिटल के पास वहाँ पे एक शॉप पे देखी थी, वो कपड़े वाली अक्सर मांग रही थी, मुझे पता था कपड़े वाली मांग रही है, बहरहाल अभी फिर यही मिला है, सरफ ले आए और एयर फ्रेशनर कैसी खुशबू अदर करके नॉर्मल से करना, ज्यादा ना करना या नेल कटर भी लेना था वो नहीं आता, हल्का सा गाड़ी में खुशबू चेक करना। अच्छा ये ना मुझे रास्ते में कह रही आप कुछ और भी कह रहे थे, नेल कटर कैसे, चलो मैं ले लेता हूँ भैया देखिए यहाँ पे नीचे, बस चेक करनी है खुशबू कैसी है, अच्छी है मेरी साइड में क्यों नहीं आई, हाँ अच्छी है। आयशा आपको कैसी लगी है? नहीं अच्छी लगी, आयशा को नहीं अच्छी लगी। आज ना हमने सूप मंगवाया है छोटे, क्योंकि वह हमें बस हल्का हल्का पीने का दिल कर रहा था, ठीक है, और इसके साथ क्रैकर्स नहीं मिलते, बड़े वाले के साथ मिलते हैं। अब ये टपरी है कि वो क्रैकर्स गए किधर है। हाँ जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, है क्या कहना चाहेंगी? इसको पता है कि मामा पापा जब भी यहाँ पे आते हैं ना तो साथ सूप के क्रैकर्स मिलते हैं, जब नहीं ना कोई चीज मिल रही होती इसको ये टपने लग जाती है कि यार क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब नहीं आ रही तो फिर क्या, क्या किधर पहनो, इधर पीछे रखे जैसे मैंने रखा, नहीं मुझे नहीं जरूरत, मामा नहीं रखने की जरूरत है, मामा को जरूरत है मुझे नहीं अभी, अब आपका क्या करें, आप क्रैकर्स का पापड़ नहीं खाने, पापड़ क्या करें, पापड़ का है, क्रैकर्स का क्या करें, कोई नहीं दुखी है मेरी बच्ची, दुखी आज वो जब ये सूप देने आए ना तो वो हाँ। देख रही कि वेट करी कि क्या क्यों नहीं आए, आज हमारे से ना फैमिली बाउल पिया नहीं था जाना, फिर हमने ये छोटे छोटे दो बाउल मंगवा लिए, हमने कहा ये वाले पीते हैं आज, बाकी भी स्पाइसेस आएंगे फिर ये डाल देते, बादाम शदाम पता नहीं क्या क्या डाल के दे देते हैं। अच्छा पिछली बार जब हम दो बार आए ना तो उन्होंने वो डाले थे बादाम, इस बार आज मूंगफलियां पीनट्स लग रही है मुझे भी। आशा आज क्या लेके आई है बाबा साहब? बी आई एनजीओ लेके आई, बी आई एनजीओ नहीं लेके आई आप, सर्फ लेके आई और एयर फ्रेशनर, इसके बैग में ये रखा हुआ है एयर फ्रेशनर, कहती मुझे खोल के दो इसलिए नहीं खोल के दिया है ना, तो बाबा ने आपको बास्केट नहीं लेके दी, नहीं लेके दी टॉयज बास्केट, नहीं लेके दी, आज इसकी टॉयज बास्केट नहीं मिली ना, और अली अंदर इधर ना फार्मेसी पे गए हैं, उनके ना गले का पेन हुए तो कह रहे मैं ना फार्मेसी पे चेक करवा गए तो फिर वो कोई टेबलेट वगैरह ले आता हूँ या कोई सिरप वगैरह, ये खड़े हैं ये पैरेट शर्ट में ना मेरे से चेक करवा रही है, मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, तो कहते हैं कि मैं कुछ भी खाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि वॉमिट होने वाली हो गई है, तो नहीं खाया जा रहा, गले से नीचे ही नहीं कोई चीज उतर रही, अभी वो सूप पीने गए तो कहते हैं शायद सूप से ठीक हो जाए, वो भी उनसे पिया नहीं जा रहा था, मैंने कहा गर्म है तो आप पी लें शायद इससे ठीक हो जाए, तो अभी पी के तो अब ये फार्मेसी पे गए हैं, ये आ गए हैं मेडिसिन लेके, यार एक तो वो क्या कहते हैं लेके आए वो स्ट्रेप्सिल्स नहीं होती उसकी जगह डॉक्टर कफ मिली है, स्ट्रेप्सिल्स नहीं थी मिली, और दूसरा उसने क्या गोलियां लिख के दी है, मैं डरी जा रहा हूँ सुबह का कि पता नहीं जीप सी पहले तो इधर गले में होती है ये नीचे क्यों हो रही है, मुझे नई नई बीमारियां दिमाग में आ रही है, वही ना ली मुझे कहते यार अक्सा ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, कुछ नहीं हुआ हमारे ना, बस इसी तरह गला लाहौर आए तो स्मॉग, कहने स्मॉग की वजह से इन्फेक्शन बहुत हुआ है इस वजह से गला खराब हुआ, ये दिया कहने सुबह शाम खानी है, और एक ही अभी डॉक्टर काफी है मैंने खुद ली अपने लिए, मैंने कहा चलो ये खा दो गले को थोड़ा सा सुकून तो आया ना, अभी तो बहुत ही बुरा हालात हुए पड़े हैं, वैसे मैं पहले बहुत डरा हुआ था, वही ना मैं बदाम का सूप पिया तो उसकी वजह से वो कह रहे वॉमिट होने लगी है, गला खराब ना हो गया बहुत ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पे जी बेगम बेडशीट वगैरह नीड करने लगी है, और दूसरी मेरे ख्याल से बेडशीट मशीन में डाल के आ गई है, डाल के आई क्योंकि सर्फ लेके आया ना सर्फ लेके आया तो आगे की उड़े है? क्या उड़ा इसने सारा कुछ ऊपर फेंका कुछ उड़ के गया है ना, एबीसी जॉन्स इसको बेड पे ना इतनी ना जाड़े, बट ठीक है हल्का फुल्का करते सुबह बेडशीट चेंज ही करेंगे, चेंज कर लेकिन अभी तो सेट कर दो ना, मतलब सुबह से मरात कल बेडशीट चेंज करेंगे हमारी, अब जब नई कल बिछानी है तो सरफ में डाल दूं उनके धोती है सुबह खुश्क हो जाएगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ जब रात को सोने का टाइम आएगा ना जब बेडशीट धुल के बाहर निकलती है ना उसको इसके ऊपर डाल देना, सुने तो सही अंदर नहीं बैठेंगे ना, दो ये 10-15 मिनट हीटर डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा बेडशीट बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, चले ठीक है वो कल आएगी कल डालनी है, हाँ कल क्यों अभी डाली है ना, अभी जब अंदर से निकलेगी थोड़ी देर बाद उसको थोड़ी देर वहां खुशक करने के लिए डालना, बाद में इधर डाल के हीटर चला देना ऊपर, बल्कि इसको रहनी ऐसे नहीं क्या करनी है, ठीक है धुल जाती है माना करें क्या दो और दो दफा मेहनत करनी है, आयशा तो मैं ठीक नहीं कह रहा है, मैं ठीक नहीं कह रहा इधर देख के, नहीं ठीक कह रहा मैं, नहीं अब तो मुझे लगता है बिछानी पड़ेगी, बाद में अक्षा के साथ मिलकर अभी बिछा देता हूँ सेट करवा देता हूँ, आज ना हम दोनों का कोई खास खाना शाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, तो अक्सर तो मेरे ख्याल से वही सूप पी के पूरी हुई है, कह रही मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लूंगी, खा लेने ना, और अली को तो भूख लगी और मुझे थोड़ी सी नहीं मुझे भी इतनी ज्यादा भूख नहीं लगी, और जैसा मैंने ना खाने का मकसद ये है ना मैं चाह रहा हूँ कि मेरे गले को ना ऐसे खराब सा हुआ है तो मैंने कुछ नॉर्मल से ही खा लूँ, कुछ ज्यादा खास ना खाऊं, तो फिर मैंने सोचा कि एक आधा पराठा कर लेता हूँ, यहाँ से पराठा तो नहीं है अब रोटी टाइप भी करूंगा, ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं लगाया, बट इसके अंदर पहले से वो बटर शटर अंदर है मिक्स,
तो एक मैं शक नहीं बना देता हूँ, अगर इसका मूड हुआ तो खा लेगी। मेरे नहीं खाना, मेरे आपके लिए फिर ना करूँ, पक्की बात है। बस अपने लिए करें। मेरे ना गले का कुछ इस तरह का सीन बना हुआ कि बहुत ही ऐसे ना, मतलब गला नहीं खराब, ऐसे ना इधर से लगता है कुछ हुआ हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि ये आजकल ना, डॉक्टर नहीं वो जो फार्मेसी वाला ना उसने बताया कि ये ना इन्फेक्शन हुआ, कह रहा है इन्फेक्शन हुआ है आपके जैसे, और भी सैंपल यहाँ पे बड़े आ रहे हैं। मैंने कहा जब इतने सैंपल आ रहे हैं तो फिर चलो अंदर मैं भी लगा, ये सारा कुछ हो रहा है स्मॉग की वजह से। और हमारा लाहौर में पहली बार वाला चक्कर है ना, हमें तो ज्यादा स्यापे पड़े पड़े हैं, वो ज्यादा हुआ है, ज्यादा अक्सा को तो यही है, फिर भी गाड़ी से बाहर काम निकलती है। और मुझे ये ऐसा लगता है जब मैं पानी शानी भरने गया हूँ ना कल परसों, उस टाइम मुझे उनसे ना ज्यादा मसला बना। बारे अब ये पराठा शराठा करते हैं साथ, एक आधा मैंने कहा कबाब कर लेता हूँ, इसके साथ ही बस हल्का फुल्का सा खा लेता हूँ खाना। जब मैं इस बीबी को पहले रास्ते में आते हुए कह रहा था ना कि खाने के लिए कुछ रोटी छोटी ले लेते हैं, उस टाइम इसने वैसे यकीन दिलाया, मैंने लगा मैनू भी भूख नहीं लगनी, नहीं, मुझे अब लगी है ना। हाँ, मैंने तो वो पराठा शराठा उस टाइम बना के खा लिया था, अभी तकरीबन कोई आधा घंटा हो गया हुआ है, नहीं एडा मैं भी कोई शौक न खाता। मैंने जो शौक से खाया है ना, मेरे गले ने बड़ा काम खराब किया, मेरे से एक पराठा भी मुश्किल से खाया गया। फिर मैंने वो बंद और दूध जो ना वो खाया, पता नहीं कोई जीप सा गला को खाया, मसला बना हुआ। सही बात, अल्लाह करे यार ठीक हो जाए। पता नहीं इस तरह की मुझे गले की कभी दर्द पहले नहीं हुई, मुझे बहुत डर इसलिए लग रहा कि ये पता नहीं किस तरह की जीप सी दर्द है। वो बताया था फार्मेसी वाला। हाँ ये जी पराठा मैंने गर्म किया अक्सा के लिए, अभी थोड़ा सा एक दफा और लगाना पड़ेगा। कितना हुआ? नहीं सही नहीं हुआ, अभी नॉर्मल, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हुआ है। स्पून साथ में अक्सा को निकाल देता हूँ, इधर मेरे को एडे मुश्किल काम ना दस अगर अब खड़ा अपना चम्मच तो गल मुक्की। पहले इधर हमारे स्टोर रूम में अच्छी भली रोशनी होती थी, यहाँ की बंद हो गई है, रोशनी भी कम, पुरानी सारी जवाब देती जा रही है। आपको सर्दी नहीं लग रही? हेलो मिठू आपको सर्दी नहीं लग रही? चलो बाहर वही छठी ठंडे ठंडे हैं लगा दिए पापा ने, हैं आ जाए सर बस करते सुबह डाल देना, क्या है सुबह कर लेना, रहने दे बेडशीट हो गई है वो। हाँ। बस निकाल के तो खुश ऊपर डाल दे खोल के, बाकी सुबह करेंगे। खैर है आ जाओ आयशा, चलो चले हम दोनों चलते हैं। इसके साथ फॉर्क निकाल के कह रही नूडल्स और इसको नहीं डालते फेस में, वो वाला फॉर्क नहीं है, इसको फेस में होता है, नहीं माउथ में नहीं डालते, इसको नहीं डालते, नहीं डालते। हाँ वेरी गुड वेरी गुड।